Good morning, student. 9th class physics. Yesterday we discussed about application of conservation of linear momentum. Today we are going to discuss about the numerical is based on conservation of linear momentum. So first numerical kya keh raha hai? From a rifle of mass 4 kg. Rifle hai jiska mass kitna diya hua hai? 4 kg. Rifle ke mass ka represent kya capital M se jo kiya hai 4 kg. ठीक है. ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद ए इनिशियल वेलोसिटी. एक जो बुलेट है बुलेट के मास को रिप्रेजेंट किया स्मॉल एम से, वो कितना है 50 ग्राम. कितना दिया हुआ है बुलेट का मास 50 ग्राम और इनिशियल स्पीड दी हुई है उसकी 50 मीटर पर सेकंड. हमें क्या निकालना है जो राइफल है उस राइफल की क्या निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है वी की वैल्यू. क्या निकाले उसकी v की वैल्यू. तो लगा वही बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो गन है वही गन ली थी जैसे हमने वो आगे की तरफ जब बुलेट फायरिंग करती तो उसकी फुल वेलोसिटी पीछे की तरफ जाती तो नेगेटिव. तो वैल्यू पुट करो एम वी माइनस स्मॉल एम वी इज इक्वल टू जीरो. ये माइनस का उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव. कैपिटल वी की वैल्यू निकालनी है तो स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम. अब ये मास केजी में है ये मास ग्राम में है. ये किसका मास है बुलेट का मास है ये राइफल आर. तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1000. तो कितना आया 0.05 केजी. वैल्यू पुट करो एम की वैल्यू 0.05 वी कितनी दी है 50 मीटर पर सेकेंड कैपिटल एम 4. इसको सोल्व कर देना. सोल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो मीटर पर सेकेंड. किसकी वेलोसिटी निकल गई है राइफल की वेलोसिटी निकल गई. ठीक है. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहता है. सेकंड न्यूमेरिकल कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है एक का मास है 100 ग्राम. एम वन नाम दे देते हैं उसका नाम है मास दे रहा है 100 ग्राम. एम टू का मास दिया हुआ है 200 ग्राम. दो ऑब्जेक्ट है दो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट का मास 100 ग्राम सेकंड का मास 200 ग्राम. आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन. जो सेम लाइन में मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन में विद वेलोसिटी ऑफ कितनी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड. तो देखो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड यू टू की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकंड. इस वेलोसिटी के साथ वो सेम लाइन और सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं. क्या निकालना है कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन. कोलिजन होने के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करता है देखो कोलिजन होने के बाद कोलिजन से पहले की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है u. कोलिजन होने के बाद यानी v फाइनल वेलोसिटी. जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करता है यानी किसकी वेलोसिटी v1 की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1.67 मीटर पर सेकंड. क्या निकालना है पता लग रहा है क्या निकालना है सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फाइनल यानी v2 की. लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इसके इक्वल है m1 v1 + m2 v2. m1 की वैल्यू ग्राम है ग्राम से किसके अंदर कन्वर्ट कर दोगे केजी में. तो करो 100 डिवाइडेड बाय 1000 दो जीरो से दो जीरो 0.1 केजी या फिर क्या जाएगा 0.2 केजी. मास को हमेशा किसमें लेके चलना है केजी के अंदर. तो वैल्यू पुट करो m1 की वैल्यू 0.1 u की वैल्यू 2 m2 की वैल्यू 0.2 U2 की वैल्यू 1 M1 की वैल्यू कितनी है 0.1 V1 की वैल्यू 1.67 प्लस M2 की वैल्यू 0.2 और V2 की वैल्यू निकालना निकल जाएगा. इनकी मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड लेके आएंगे ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी V2 की सेकंड ऑब्जेक्ट की. क्या निकल जाएगी ये वेलोसिटी निकल जाएगी. हाँ जी. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे है कि दो ऑब्जेक्ट हैं वो दो ऑब्जेक्ट कोलिजन से
के साथ मूव कर रहा है। कोलाइड विद एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ध्यान से समझना, ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी रखा हुआ है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे, और ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आया स्ट्रेट लाइन में, इसकी मास और वेलोसिटी दे। अब ये बात देखो, ये स्टेशनरी रुका हुआ है यहाँ पे रखा रखा है, तो इसकी तो वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो। ये तो यू वन है, यानी यू टू की वेलोसिटी कितनी है, जीरो मीटर पर सेकेंड। और जो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना दिया हुआ है, 5 kg। कितना मास दिया है इसका, 5 kg। तो पहले इसका निकालो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोलिजन से पहले क्या आता है, m1 u1 + m2 u2। m1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू 10, m2 की वैल्यू 5, u2 की वैल्यू 0। तो कितना आ गया बिफोर कोलिजन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 kg, 10 kg m/s। ये कब की बात है, टकराने से पहले के बाद तो ये लीनियर मोमेंटम निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा है ये देखो, दे है देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब पहले ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ, इससे टकराया, टकराने के बाद दोनों एक साथ एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गए, दोनों एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। तो आफ्टर कोलिजन निकालो, क्या निकालेंगे फिर हम इसका, आफ्टर कोलिजन वैल्यू लीनियर मोमेंटम निकालो, वही स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और जब एक वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे वो वेलोसिटी क्या आई, वी आर। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी, 1 + 2 × वी निकालना है, ठीक है, 1 + 5, तो कितना आ गया, 6। ये कब है, आफ्टर, और ये क्या है, बिफोर कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या करता है, बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन इक्वल, तो 10 = 6 V। V की वैल्यू क्या है, 10/6, यानी 5/3 m/s। ये क्या निकल गई, V की वैल्यू निकल गई जब वो दोनों के दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया क्या, क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट था स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और एक ये बॉक्स रखा हुआ है रेस्ट पे, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, रेस्ट पे रखा तो इसकी वेलोसिटी जीरो, जब ये इससे टकराया, टकराने के बाद ये इसके साथ इसी के वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो जो दोनों की वेलोसिटी वो क्या आई, 5/3 m/s। ठीक है, तो ये थे न्यूमेरिकल अपने सेकंड चैप्टर के, सेकंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट होगी रिवीजन विद एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3।